क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक हो? जी अभी नाजरे आप देख सकते हैं, हम शहजाद भाई के पास पहुंच गए हैं। ये जी आ गए हम उस गांव में, ये जो जीरो लाइन के पास अब हम जा रहे हैं। शहजाद भाई आप देख सकते हैं आगे रास्ता भी तकरीबन बंद है। शहजाद भाई यहाँ से हम कैसे जाएंगे? हाँ जी पहले पैदल जाएंगे, जरूरत इधर कोई ले ना जाए यार, इंडिया वाले ना ले जाए, नहीं इंडिया वाले ना ले जाए हमारी बाइक। अमर भाई ध्यान से आप नीचे पानी में ना ढह पाए, मुझे लग रहा है आप ढह पाएंगे। ये चीज़ आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के एक ऐसे गांव में जो कि आधा गांव इंडिया में है और आधा गांव पाकिस्तान में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि इस तरह के मज़ेदार ब्लॉग आप तक पहुँच सकें। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे 3,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं और ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह आप मज़ीद मोहब्बत दिखाते रहे हैं, मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अभी हम आए हैं इधर पाकिस्तान के कैसे गांव में, जहाँ पर जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक एक सड़क इंडिया में और एक सड़क पाकिस्तान में। और हमारे साथ जो है देख सकते हैं आप, हमारे साथ आमिर भाई हैं। आमिर भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितनी दूर है वो गांव जहाँ हम जा रहे हैं? तकरीबन 10 किलोमीटर और है। 10 किलोमीटर ठीक है। और ये जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तकरीबन जो है ना आखिरी पाकिस्तान के इधर से बहावल नगर बॉर्डर से आखिरी गांव है। इसके बाद जो है ना फौरन जो है ना आपको इंडिया भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे दोस्त रहते हैं तो जो कि बहुत ही हैरान कन जो है वो उनका ब्लॉग, आपकी अकल दंग रह जाएगी और अल्लाह ताला की वादानियत और अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह की ताकत आपको नज़र आएगी कि अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसे अपने दोस्त से मिलवाएंगे जिसके पांव ऑलमोस्ट 2 फुट के होंगे और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर रहा है, ठीक है। और उस वो अपील भी करेगा गवर्नमेंट से कि उसको जो है वो गवर्नमेंट उसका इलाज करवाए या उसको जॉब शॉप दिलवाए वज़ीर-ए-आला पंजाब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से और जितने भी अहदेदारान हैं, DCO है, DPO है, सबसे वो रिक्वेस्ट करना चाहेगा। उससे मिलवाएंगे भी, इंटरव्यू भी लेंगे उससे और उसकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जी तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं भाई शहजाद की तरफ और वो हमें लेकर जाएंगे उस गांव में। उसका जो गांव है वो ऐसा है कि आधा गांव जो है उसका वो इंडिया में और आधा गांव पाकिस्तान में, मतलब कि जो उनकी फसलें हैं वो जो फसलें हैं वो इंडिया में हैं और वो इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके फसलें काश्त करते हैं। तो चलते हैं उनकी फसलें भी देखते हैं। इंडिया का जो मेन गांव है जो इसके साथ लगता है वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। चलते हैं जी हम उस गांव की तरफ। बहुत ही तवील सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। ये वो गांव है बखूशा जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इस गांव के बाद इंडिया शुरू हो जाता है और ये गांव की इस गांव की जो सरहद है वो बिल्कुल इंडिया से मिलती है जाके, और इसके साथ ये गांव है श्री करणपुर जो कि इंडिया का गांव है। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने दोस्त शहजाद भाई के पास पहुँच कर लेते हैं। बस हम पहुँच ही गए हैं। क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक हो? जी अभी नाजरे आप देख सकते हैं हम शहजाद भाई के पास पहुंच गए हैं और अभी हम बहुत ही मुश्किल सफ़र था। बहुत मुश्किल में पहुंचे हैं, अभी तो ठीक है। बड़ा मुश्किल ये है ना जो आपका सफ़र है जब तक आने का। चलिए हाँ जी अमर भाई कैसा रहा आपका सफ़र? ये शहजाद भाई हैं, 26 किलोमीटर में गर्मी बस गर्मी फिर तेरे वास्ते निकलना पे रहा। शहजाद भाई जी हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, आपने ये तकल्लुफ क्यों किया हमारे लिए?
क्यों तकल्लफ किया? तकल्लफ की बात ही है। दो आमिर भाई को दो मैं लेता हूँ। शहजाद भाई के पाँव देखे जी, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हैं और ये बहुत बेचारे तंग होते हैं इनसे। अल्लाह ताला इनको सेहत दे जी। दे दें, थैंक यू जी। तो अभी शहजाद भाई के पास हम आ गए हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, थोड़ा रेस्ट करने के बाद आपको ये गांव है जिसका व्यू दिखाएंगे, गांव दिखाएंगे और फिर आपसे डिस्कस करते हैं। शहजाद भाई यहाँ कितनी दूर है यहाँ से वो ये जो बॉर्डर है इंडिया का? 10 एकड़ जी, तो 10 किले ठीक हो गया। A few minutes later, ये शहजाद भाई हमारे लिए रिफ्रेशमेंट चाय और बिस्किट लेकर आए हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह शहजाद भाई, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको अजर दे इस चीज़ का। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपकी जितने भी मुश्किलात हैं वो आपकी दूर करें। तो चाय वगैरह जो है हमारी आ गई है, शहजाद भाई हमारे लिए पहले हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी और अभी जो है चाय शेय पियेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद गपशप लगती हैं, फिर आपको जो है वो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो हमने गाँव का जिक्र किया था वो भी आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स अब हम जो है शहजाद भाई के साथ हैं, अभी हम जा रहे हैं उस बिल्कुल गांव में, तो खड़े हैं क्योंकि ये गांव है, आप देख सकते हैं ये जो गांव है ये बिल्कुल इंडिया पे है। और अभी आपको जीरो लाइन आपको जाके दिखाते हैं, ये शहजाद भाई का मोटरसाइकिल है और अभी हम शहजाद भाई के साथ बैठ के जाएंगे आगे गांव की तरफ। ये जी आ गए हम उस गांव में, ये जो ज़ीरो लाइन के पास अब हम जा रहे हैं शहजाद भाई के साथ और ये आपको हम दिखाते हैं आगे जो इंडिया की बिल्कुल ज़ीरो लाइन बॉर्डर है वो दिखाएंगे। इस साइड पे शहजाद भाई का जो रकबा है वो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, क्या बात है। शहजाद भाई का इतना ज़्यादा रकबा तो नहीं है, यही है उन्होंने कुछ ठेके पर ज़मीन वगैरह ली हुई है और उसी में बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं अपने इन बड़े बड़े पाँव के साथ। ये जो हम देख रहे हैं हम गाँव की तरफ जा रहे हैं, जीरो लाइन पर जा रहे हैं, बिल्कुल ये साथ देख सकते हैं आप आगे जो है बिल्कुल जीरो लाइन है। ये पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं इधर का 500 मीटर और ये बिल्कुल हम इंडिया तकरीबन पहुंच गए हैं। कौन सा आमिर वो गांव है इंडिया का यहाँ पे बिल्कुल करीब जो था श्री करणपुर शहजाद भाई, कौन सा गांव था साथ? श्री करणपुर जी। तो श्री करणपुर जो है यहाँ पे गांव है जीरो लाइन के बिल्कुल साथ और अगर वहाँ के लोग हमें देख रहे हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमें इस तरह की मोटिवेशन मिलती रहे। हमने बहुत मेहनत की है इधर तक पहुँचने के लिए और अभी आप देख सकते हैं आगे रास्ता भी तकरीबन बंद है। सर भी यहाँ से हम कैसे जाएंगे? हाँ जी पैदल जाएंगे जी। तो ये देख सकते हैं आप, हम जीरो लाइन में आ गए हैं और ये आगे जो आप देख रहे हैं वो आपको दिखाते हैं इंडिया की जो वो भी लगी हुई है बिल्कुल ज़ीरो लाइन और हम यहाँ से क्रॉस करके पानी जाना है भाई, जाना है। आ जाओ अमित भाई इधर लॉक कर दो भाई, इधर कोई ले ना जाए यार, इंडिया वाले ना ले जाए, इंडिया वाले ना ले जाए हमारी बाइक। हाँ जी चलो चलो, अमर भाई ध्यान से आप नीचे पानी में ना ढह पाए ना, मुझे लग रहा है आप ढह पाएंगे। ये चीज हाँ जी पाकिस्तान आ गए। हाँ जी ये जो है जमीन आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की है, अच्छा वो सामने जो है आप देख रहे हैं जी ये दरख्त क्रॉस करके बिल्कुल सामने इंडिया की जमीन है, इंडिया की जीरो लाइन है वो जो वाइट के पैर जी। शहजाद भाई क्या कह रहे हैं आप? ओ वाइट वर्जिनी आ रही है। हां जी जी शहजाद भाई आपकी जो आपने ठेके पे जो जमीनें ली हुई हैं वो कहाँ पे हैं? इधर ये इंडिया ये जो है
मतलब आपकी आधी जो ज़मीन है वो इंडिया में आ जाती है, इंडिया की जो पाकिस्तान की जीरो लाइन क्रॉस करके है। गर्मी जो है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और हम गर्मी में हैं अब बिल्कुल। हमने बाइक्स वो देख रहे हैं, हमने वहाँ पे लगा दी हैं, और अब हम जा रहे हैं पैदल अपने आपको जीरो लाइन दिखाने के लिए। आज वैसे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, संडे का दिन है और इंतहा की गर्मी है, तो शहजाद भाई की मेहरबानी है जो हमें इतनी गर्मी में विज़िट करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी वाली साइड है उसमें पाकिस्तान ने कोई इस तरह की मतलब लोहे वाली जो लाइन है जैसे ये इंडिया वालों ने की हुई है, तो वहाँ पे उनके जो हमारे फौजी जवान हैं उनके भी फौजी जवान तैनात हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने बिल्कुल जीरो लाइन में कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ निशानदेही की हुई है कि ये पाकिस्तान है और ये क्रॉस करके इंडिया है, आगे नहीं जा सकते। बताएं किधर? अच्छा, ये हमारी जो पाकिस्तान की जो चौकी है वो मैं आपको दिखा दूं, ये पाकिस्तान की जो वाइट सी आप जो चौकी नज़र आ रही है यहाँ पे पाकिस्तानी है, और ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ये इंडिया की है, और हम ये पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल ये जो आपको तूड़ी नज़र आ रही है इसके पास अगर जाएं तो ये इंडिया है, और इससे इधर इस साइड पे पाकिस्तान है, और ये आप देख सकते हैं ये जो पानी लगा हुआ है ये इंडिया की ज़मीन में पानी लगा हुआ है। ये शहजाद भाई ने पानी यहाँ पे लगाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे परमिशन लेके पर्ची लेके पानी लगाया है। तो एक बंदा उठे बैठा है, ये देखें जी बिल्कुल ये गेट है इंडिया का, इन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी जो है ना बाड़ लगाई हुई है लोहे की, और पाकिस्तानियों ने ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है सिर्फ ये निशानदेही की हुई है, ये वाइट जो नज़र आ रहा है ना आमिर इसको क्या कहते हैं वाइट वाइट जो है रोड ही कहते हैं, और ये जो आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है तो इसके उस साइड पे इंडिया और इस साइड पे पाकिस्तान है, ठीक है। ये सारी ज़मीनें हैं इंडिया की, और अभी जो हम खड़े हुए हैं इंडिया में तकरीबन एक किला ज़मीन आप नहीं दिखा दे ओ है ना कोई डैम वगैरह बनाया है उन्होंने ओ शराब करना ये हम जी बिल्कुल जीरो लाइन पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया की जो ज़मीन है बिल्कुल हम खड़े हैं, और इससे आगे हम जा नहीं सकते, अगर इससे आगे हम गए तो वो हमें गोली मार देंगे हैं शहजाद भाई। ये जो शहजाद भाई की है ना ज़मीन है इंडिया के अंदर जो आती है एक लाइन क्रॉस करके, ये जो सारी ज़मीन है जो आपको पानी लगा हुआ नज़र आ रहा है खड़े हुए हैं ये पाकिस्तान में खड़े हुए हैं भाई। ये जो आप बता रहे हैं हमें ये आपने दिखाई है अभी, तो आपकी ज़मीन यहाँ तक है, और अभी जो आपने ये पीछे पानी लगा हुआ नज़र आ रहा है ये इंडिया की ज़मीन है, और यहाँ पे शहजाद भाई बता रहे थे कि हमने पर्ची ले के यानी कि इनसे इजाज़त ले के यहाँ पर पानी लगाया, इसके अलावा हम अच्छा क्या करवाना पड़ता है ऐड करवाने पड़ते हैं लोग बंदे ऐड करवाने पड़ते हैं ना भी कितने काम करेंगे। अच्छा अच्छा हूँ शाम है 4 बजे ख़त्म है इतना काम। अच्छा उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे, ठीक हो गया। ये तो ये हमें वो कह रहे हैं कि बंदे ऐड करवाने पड़ते हैं काम करने के लिए। जी तो ये है इंडिया और पाकिस्तान का गाँव ठंडी हवा है लेकिन जो गर्मी है जी। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी बाइक की तरफ, और ये हमने जो देखा अपने पानी की जो दूसरी साइड है वो इंडिया की है, और अब हमने वो वहाँ पे बाइक्स लगाई थी, और हवा भी आप देख रहे हैं कितनी तेज़ चल रही है। अब हम जाते हैं अपनी बाइक्स की तरफ जी। अब हम यहाँ पे अपना जो व्लॉग है वो क्लोज़ करते हैं। अब ऐसा ना हो हमें यहाँ से चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि इंडिया वाले हमें यहाँ पे गोली मार दें। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आप तक शेयर करता रहूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।